प्रदेश के फतेहपुर जिले में पांचवें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन प्रक्रिया 18 अप्रैल तक चलेगी। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी बना दिया गया और पूरी नामांकन प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जा रही है। आज नामांकन के पहले दिन फतेहपुर जिले की वर्तमान सांसद, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति ने एक सेट से नामांकन दाखिल किया। कलेक्ट्रेट में भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति के नामांकन के दौरान सत्ता की हनक भी खूब दिखी। साध्वी सुरक्षा घेरा तोड़कर प्रतिबंधित क्षेत्र से नामांकन कक्ष पहुंची। आपको बता दें कि भाजपाइयों को रोकने की बजाय पुलिस एक गेट से दूसरे गेट तक हाथ जोड़ती दिखी। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव सिंह ने सुरक्षा घेरा तोड़कर गाड़ी अंदर आने की पुष्टि करते हुए कहा कि यह बड़ी चूक है। घटना पर एसपी और एडीएम राजस्व एवं वित्त से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आने पर न सिर्फ अफसरों कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी बल्कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रत्याशियों को भी नोटिस जारी करेंगे। आपको बता दें कि यूं तो भाजपा प्रत्याशी का तामझाम के साथ नामांकन आज होना है, लेकिन उन्होंने बुधवार को मुहूर्त के तहत एक सेट पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन कक्ष तक पहुंचने के लिए विकास भवन गेट से रास्ता तय है। इस गेट से वाहन लाना प्रतिबंधित है, लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति नामांकन कराने पहुंची तो इस गेट से नहीं आई। कचहरी गेट से वाहन दाखिल करते हुए कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंची। उन्होंने पुलिस के दो चेकिंग पॉइंट पार किए। कलेक्ट्रेट गेट से महज 20 मीटर दूरी पर नामांकन कक्ष है, जबकि कलेक्ट्रेट के 100 मीटर परिधि में वाहन लाना प्रतिबंधित किया गया है। गेट में आधी गाड़ी घुसी थी कि खागा सीओ हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जिसके बाद प्रत्याशी ने वाहन से वापस लिया। फिर उन्हें उसी गेट से प्रवेश दिया गया जहां प्रवेश प्रतिबंधित है। वादा है और उसको भरसक प्रयास करूंगी पूरा करने के। 5 साल में जो मैंने किया है उसको भी मुझे एक मूर्त रूप देना है, क्योंकि ये जनपद बहुत पिछड़ा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब नीति आयोग के द्वारा सर्वे करवाया, यह जनपद 64वें पायदान पर था। आज जब हम 19 के चुनाव में जा रहे हैं, हमारी सरकार चुनाव के मैदान में है, उस समय यह जनपद 9वें नंबर पर छलांग लगा करके आ गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से, सड़क की दृष्टि से, और इस जनपद को जो यहाँ के नागरिकों को मिलना चाहिए बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मेरे ही प्रारब्ध में था कि यहाँ के लिए मेडिकल कॉलेज करवाना, यहाँ के लिए पासपोर्ट ऑफिस करवाना, इस जनपद के लिए पाइपलाइन से गैस घर घर पहुँचे, ये मेरे ही प्रारब्ध में था। और मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस जनपद के विकास के लिए मैं जिस तरह से होगा इस जनपद के विकास के लिए मैं